बड़ी खबर नालंदा जिले के हिलसा उपकारा से आ रही है, जहां हिलसा उपकारा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि उपकारा के अंदर बाड़ में बंद कैदी अंदर बैठकर ताश खेलते हैं और जमकर मोबाइल का उपयोग करते हैं। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जेल में बंद एक शख्स जो यह बता रहा है कि हिलसा जेल प्रशासन की मिलीभगत से किस प्रकार मोबाइल और ताश की पत्ती के साथ साथ गांजा की पुड़िया खुलेआम इस्तेमाल की जा रही है। इतना ही नहीं, जेल के अंदर वार्ड में बंद कैदी भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन सब मामलों के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह के प्रतिबंध सामानों का अंदर प्रवेश करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में पूरे जेल प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं है। वही सरकार से मांग करती है कि हिलसा उपकारा में तैनात सभी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के मनमानी जेल प्रशासन नहीं कर सके। रोटी मिलता है, चार रोटी मिलता है, उसमें कच्चा कच्चा रोटी रहता है। देखिए पैसा मांगता है खाना का, पैसा भी लेता है। कितना पैसा लेता है खाना का? 2000 रुपया। अभी कौन लेता है? महीना के 2000 रुपया लेता है। कौन लेता है पैसा? भंसा वाला जेलर लेता है। कौन लेता है? जेलर लेता है, जेलर। अच्छा, आयोग की प्रक्रिया हम डीएम साहब ही पहुंचाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ए हिलसा जेल होता है। अरे गेट दिखाई सा ऐसा दीजिए ना, 10000 अभी और पार करवा। तो वो डर था कि भागलपुर भेजा जाता है, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया था। और ये जो कैदी ट्रांसफ़र हुए हैं 7 अक्टूबर के आसपास में, उससे पहले का ही। और एक और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वीडियो जानबूझ के बनाया गया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जेल प्रशासन को धमकी भी दिया था। पूर्व में ये सब शिकायतें प्राप्त हुई थी कि धमकी दिया जा रहा है, इसी आधार पर उनको यहाँ से हटाया भी गया है। तो शायद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को दबाव में लेने के दृष्टिकोण से वो वीडियो तैयार करके रखा गया था, जो बाद में वायरल किया गया है।